वेलकम डियर स्टूडेंट फ्री जॉब राइट एंड एजुकेशन चैनल। तो स्टूडेंट आपकी काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आपकी काउंसलिंग में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी कर लें। तो स्टूडेंट आपके हाई स्कूल की मार्कशीट एंड इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन अथवा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसके लिए है जिसने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि बीएड में, तो जिसने बीएड में किया है उसके लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट जरूरी होगी यहाँ पे, अथवा उसका रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट की कॉपी लगा सकता है, वो मार्कशीट बाद में जमा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आधार कार्ड होना चाहिए आपका, आय प्रमाण पत्र एंड आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके आवेदन की एक प्रति जो आपने अप्लाई ऑनलाइन किया था फॉर्म, उसके बाद आपके पासपोर्ट साइज के फ़ोटोग्राफ, और उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी की सर्टिफिकेट जो आपने एनसीसी एनएसएस अथवा स्पोर्ट्स से संबंधित लगाए होंगे अपने, और उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी के लिए होता है 10% जो रिजर्वेशन मिलता है उन्हें, तो वो अपना यहाँ पे काउंसलिंग में लगाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट एक सिक्वेंस में एक पीडीएफ में लगाने होंगे आपको, पीडीएफ आपको दयालबाग की तरफ से आपको एक ईमेल मिलेगा, उस ईमेल पे जो है सेंड करने होंगे उस सर के ईमेल पे जो सर आपकी काउंसलिंग लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।